हेलो फ्रेंड्स, आप हैं मेरे साथ हंसराज स्टडी मटेरियल में। और आज है 24 मार्च, हम लेकर आए हैं आज के करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं क्या है आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले पहले अश्वेत कौन बने? जगमीत सिंह। जो जगमीत सिंह है ये कनाडा में के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले पहले अश्वेत बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेष ओलंपिक खेल 2019 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये है 368। भारत ने कुल 368 पदक जीते हैं। और अगले विशेष ओलंपिक खेल होंगे स्वीडन में, और जो ओलंपिक खेल है वो होंगे अगले जापान के टोक्यो शहर में। नेक्स्ट प्रश्न है, कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर क्या रख दिया है? नूर सुल्तान। और ये नूर सुल्तान नाम कजाकिस्तान ने अपने राष्ट्रपति के नाम पर रखा है, जिन्होंने अभी हाल ही में 30 वर्षों के शासन के बाद, अपने कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का नंबर वन यूट्यूब चैनल कौन सा बना? टी सीरीज। इसके 90.68 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और इसकी स्थापना गुलशन कुमार ने की थी। जो टी सीरीज कंपनी है इसकी स्थापना गुलशन कुमार ने की थी, और इसका जो यूट्यूब चैनल है टी सीरीज के नाम से, वो दुनिया का नंबर वन यूट्यूब चैनल बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की पुलिस अधीक्षक राधिका जीआर ने मार्च 2019 में किस पर्वत चोटी पर चढ़ाई की? इसका उत्तर है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी पर्वत पर इन्होंने चढ़ाई की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने साफ महिला चैंपियनशिप जीती? भारत ने। भारत ने यह चैंपियनशिप लगातार 5वीं बार जीती है। यह इस चैंपियनशिप की शुरुआत 2010 से शुरू हुई थी, और हर 2 साल बाद इसका एक, जैसे 2010 में, फिर 2012 में, हर 2 साल बाद यह चैंपियनशिप होती है, और भारत ने लगातार 5वीं बार इस चैंपियनशिप को जीता, और इसकी मेजबानी नेपाल ने की थी। साफ की फुल फॉर्म देखिए, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2019 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी सूर्य, पृथ्वी और मौसम। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया है, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम लोकपाल पीसी घोष, पीके चंद्र घोष को उनके पद की शपथ किसने दिलाई? इन्हें इनके पद की शपथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की जलवायु नीति की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इस सूची में 7 भारतीयों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के किस सत्र का उद्घाटन हुआ है? तो आईपीएल के 12वें सत्र का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को। और ये तो आप सभी जानते होंगे, शहीद दिवस किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगत सिंह, राजनाथ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। किस राज्य की सरकार ने 6 महीने के लिए ओला पर प्रतिबंध लगाया है? ओला, ये ओला नाम की एक कैब चलती है, इस पर 6 महीने के लिए कर्नाटक ने प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इनके अनुसार इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। किस संस्था ने मोबाइल मेथाडेन वैन लॉन्च की? एम्स ने। और एम्स जो है 1956 में पहला एम्स खुला था, इसने मोबाइल मेथाडोन वैन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने मुद्रा नोट बनाने के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया? 4 सदस्य समिति का। सुल्तान अजलान शाह कप 2019 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आरंभ हुआ? मलेशिया में। नौसेना के अगले प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? करमवीर सिंह को। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है,
विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी की फुल फॉर्म क्या है? टूबेरकुलोसिस। ये 24 मार्च को मनाया गया है। आज 24 मार्च है तो आज ये मनाया जा रहा है और इसका विषय है इट इज टाइम। आखिरी और अगला प्रश्न है, फरवरी 2019 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली यात्री कार कौन सी थी ऑल्टो? और इसकी 24,751 कारों की फरवरी में बिक्री हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर के मुख्य प्रश्न। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।